आगरा प्राचीन श्री राम मंदिर जटपुरा खातीपाड़ा से निकलने वाली उत्तर भारत की प्राचीन दशहरा शोभा यात्रा के कार्यक्रमों की आगामी रूपरेखा के लिए दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संजय पैलेस स्थित आहार रेस्टोरेंट पर आयोजित हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल, महामंत्री राज्यपाल यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राजगद्दी प्रभारी तरुण सिंह, दशहरा संयोजक पार्षद शरद चौहान एवं हेमंत प्रजापति, सर्व व्यवस्था प्रमुख रामदास कटारा, कोषाध्यक्ष अमित बंसल, महिला मंडल अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना और उपाध्यक्ष मटरू सिंह ने पद की शपथ ग्रहण की। दशहरा शोभा यात्रा दशहरा पर्व पर 5 अक्टूबर को प्राचीन श्री राम मंदिर जटपुरा खातीपाड़ा लोहा मंडी से निकाली जाएगी। झांकियों के लिए दिया निमंत्रण। अध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि दशहरा शोभा यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों की झांकियों को शामिल करने के लिए जम्मू, मद्रास, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित करीब 12 राज्यों की समितियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। संदेशात्मक होगी प्रत्येक झांकी। महामंत्री राज्यपाल यादव ने बताया कि शोभा यात्रा में प्रत्येक झांकी समाज को एक संदेश देगी। समाज में फैली रूढ़िवादी कृतियों पर प्रहार करती हुई कई झांकियां इस बार शोभा यात्रा में शामिल हो रही हैं। पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत का संदेश देती हुई तमाम झांकियां नजर आएंगी। राम रावण के युद्ध की संजीव झांकी। महिला मंडल अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना ने बताया कि शोभा यात्रा मार्ग में श्री राम और रावण का तीर कमान से युद्ध करते हुए का संजीव डोला मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा, जिसमें प्रभु श्री राम और रावण की सेना के मध्य युद्ध होगा। 8 अक्टूबर को श्री राम का होगा राज तिलक। राजगद्दी प्रभारी तरुण सिंह ने बताया कि चयन समिति द्वारा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूपों का चयन 25 सितंबर तक किया जाएगा। 8 अक्टूबर को भगवान श्री राम का राज तिलक के बाद राजगद्दी पर विराजेंगे। राजगद्दी समारोह में स्वरूपों और आयोजन समिति के सहयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारी आवाज को आप ही बुलंद कर सकते हैं लोगों तक, क्योंकि ये जो मंदिर है मैंने इससे करीब लगभग 7-8 साल हो गए जुड़ी हूँ। मैंने इससे पहले तो भव्य मंदिर नहीं देखा जो इसमें, लेकिन कमियाँ जो है प्रशासन की तरफ से इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं जो यहाँ पर मंदिर के लिए नहीं है। बाकी का ये है कि जो महिला है मैं उनको जोड़कर इस मंदिर को और भी अच्छा, जितना भी हो सकता अच्छा प्रोग्राम हो, जैसे कि हमारे कई संगठन है, चाहे संगनी महिला मंच है, हमारा प्रीति वुमन क्लब है, एक बार चित्रा से करके ग्रुप है हमारा, सभी महिलाओं को यहाँ जोड़ेंगे ताकि, और यहाँ क्षेत्र की महिलाओं के अलावा शहर की महिला अंदर जोड़ेंगे, निश्चित तौर से इस कार्यक्रम में भव्यता होगी। और शासन प्रशासन को हम जाएंगे कि यहाँ पर गली बहुत सक्रिय है, प्रोग्राम में काफी दिक्कत होती है, महिला बच्चे चलते हैं तो दिक्कत बहुत होती है, तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि इसमें थोड़ा सा योगदान करें। रोड है, तमाम सारे रोड खराब है वहाँ पर, तो इसके लिए कार्य करें। बाकी का हम लोग सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।